रॉयल इनफील्ड के इस बदलाव के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये जो बदलाव किया गया है वो सच में सुनकर हैरान करने वाली है। रॉयल इनफील्ड अब ब्रांड कम कमाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आप सभी को बता दे, क्लासिक में अभी तक टोटल 12 कलर मौजूद थे, जिसमें से सिग्नल्स के कैटेगरी में 2 कलर के बाइक मौजूद थे और ये दोनों बाइक बहुत ही प्यारा दिखता था। मैक्सिमम लोगों को ये पसंद था, लेकिन रॉयल इनफील्ड सबसे पहले इन दोनों बाइक को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसका आखिरी समय 31 अगस्त 2024 रखा है। इसके बाद से आपको ये दोनों बाइक आगे से किसी भी शोरूम में नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी मिलेगा वो पुराना ही स्टॉक मिलेगा। कंपनी इसे आगे से बनाना बंद कर देगी। इन दोनों बाइक का नाम क्या है वो जान लीजिए। पहला सिग्नल्स का मार्स ग्रे एंड दूसरा सिग्नल्स का डिजर्ट सैंड। कंपनी इसमें चालाकी दिखाती, वो कैसे आइए बारीकी से समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि इन दोनों बाइक को सबसे पहले तो बंद कर दिया, बदले में इन्हीं दोनों कलर का मिक्सअप बाइक लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है कमांडो सैंड। यदि किसी को मार्च ग्रे चाहिए तो वो इसमें मौजूद कलर थोड़ा थोड़ा पार्ट देख के खुश हो सकता है, और जिसको डिजर्ट सैंड चाहिए वो भी कमांडो सैंड लेकर खुश हो सकता है। मतलब मार्च ग्रे चाहिए तो भी कमांडो सैंड लीजिए, यदि डिजर्ट सैंड चाहिए तो भी कमांडो सैंड लीजिए। एक बाइक बना दिया है दोनों बाइक के मिक्सअप कलर का। बाकी जो फीचर्स है, जिसका इंजन हो गया, सस्पेंशन हो गया, अदर पार्ट्स हो गए, ये सभी चीजें सेम टू सेम वही डाल दिया गया है, लेकिन कुछ एडवांस करके डाला गया है। ऐसा नहीं कि जो पुराना का पुराना सेम मॉडल है वही सेम चीजें नहीं है, कुछ एडवांस चीजें इसमें डाल दिया गया है। कुल मिलाकर कहे तो कंपनी एक तीर से दो निशाने लगाना बहुत ही अच्छे से जानती है। आपके इस पे राय क्या है नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस तरह से बदलाव कंपनी को करना चाहिए या नहीं, ये भी सुझाव पाने के लिए नीचे कमेंट जरूर देखिएगा। इस तरह के हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।